ధరలు మళ్ళీ పెరిగాయి. యూపీలోని వారణాసి బహిరంగ మార్కెట్లో కేజీ 50 రూపాయలకు చేరింది. దీంతో నెల రోజుల క్రింద బహిరంగ మార్కెట్లో కిలో 20 నుంచి 30 రూపాయలు పలికిన ఉల్లి ధర ప్రస్తుతం 50 రూపాయలకు చేరింది. దీంతో ఉల్లి కోయకుండానే కన్నీళ్లు పెట్టిస్తోంది. అయితే మార్కెట్లో భారీ ధర పలుకుతున్నా పండించే రైతులకు మాత్రం గిట్టుబాటు కావడం లేదు. ఉల్లి రేట్లు ముందు ముందు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు వ్యాపారులు. అటు ప్రభుత్వం ఉల్లి రేట్లు తగ్గించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు జనం. प्याज बहुत महंगा हो गया है. किलो चल रहा है आपका 50 रुपया. इतना महंगा है कैसे आदमी लेगा, कैसे काम चलेगा भाई. प्याज 50-55 है. बहुत महंगा पड़ा भैया. कहाँ गृहस्थी चलेगी इस बजट से. सस्ता करें तभी ना सब जनता जिएगी. कहाँ से खा पाएगी. क्या लेना ही पड़ेगा, इतना महंगा तो है. प्याज 50 रुपया किलो है, लेकिन लेना तो थोड़ा ज्यादा. अब देख रहे हैं कम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि खाना है तो अब लेना ही पड़ेगा. कुछ ना कुछ लेंगे बजट के हिसाब से. प्याज तो बहुत महंगा है, लेकिन मजबूरी है कि खाना है, क्योंकि बिना प्याज के कोई सब्जी बन ही नहीं सकता है. इसलिए चाहे जितना भी महंगा हो खरीदना पड़ेगा ही, क्या करें. लेकिन ये किचन का एकदम भाव बिगाड़ दिया है. 60 रुपया 65 रुपया 70 रुपया किलो चल रहा है. इससे पहले कभी नहीं था. 25 रुपया 30 रुपया किलो मिलता था. अब यही लोग बता सकते हैं, सट्टी वाले बता सकते हैं कैसे महंगा हुआ. 60 किस चीज का है. प्याज लेने आए थे, लेकिन प्याज का रेट तो बहुत ज्यादा ही हो गया. इसमें 60-70 रुपए किलो दे रहे हैं. क्यों महंगा हुआ है. पेट्रोल डीजल का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि प्याज महंगा हो गई होगा. बाकी भी सारी सब्जी भी महंगी हो गई है. सारा महंगा हो गया है. बजट बिगाड़ कर रख दिया है. पेट्रोल डीजल की वजह से प्याज का रेट भाग गया ऊपर. प्याज का दाम इसलिए बढ़ा है कि पेट्रोल और डीजल का दाम बहुत हाई हो गया है. इसलिए हरी सब्जी का दाम और ज्यादा बढ़ रहा है. प्याज हम 50 रुपया केजी बेच रहे हैं. 60 रुपया केजी, 50 रुपया केजी यही चल रहा है. इधर तेल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसलिए भाड़ा क्या बढ़ा, इसलिए जो बिक रहा है. लेने वाला खुश नहीं है. वो तो महंगाई में ले नहीं रहे हैं, बिक नहीं रहा है. अरे बहुत महंगा है. क्या आप चाहते हैं? चाहते हैं कि जैसा मिलेगा वैसा बेचेंगे हम. जो महंगा मिल रहा है मंडी वाले महंगा देते हैं, इसलिए महंगा हम लोग बेचते हैं.